हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं कुछ प्लांट मैंने जो ऑनलाइन से मैंने बाय किए थे उसकी अपडेट मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये तीनों तीन प्लांट मैंने ऑनलाइन से ही बाय किए थे, तो आप देख सकते हैं सभी में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो ये स्पाइडर प्लांट है और ये तीनों तीन प्लांट एक प्लास्टिक की नेट के साथ आया था, तो मैंने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अब मैं उसको निकालूँ क्योंकि उसकी रूट से साथ कोई छेड़खानी मुझे नहीं करनी थी। इसलिए मैंने वो प्लास्टिक के नेट के साथ ही मैंने उसे अंदर ही रिपोर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो बीच में जो गोल ब्लैक कलर का दिख रहा है वो मैंने ऐसे ही लगा दिया। और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, तो इसकी भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, हालांकि अभी इसमें ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसमें ज़रूर ग्रोथ स्टार्ट हो गई है स्पाइडर प्लांट में। तो ये गोल्डन मनी प्लांट है, तो इसकी भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और मैंने इसको छोटे से बकेट में ही, उसको प्लास्टिक के ग्लास में ही मैंने उसको ग्रो किया है। जब ये प्लांट मेरे पास आया था सिर्फ इसमें तीन ही पत्ते थे, लेकिन ऊपर के दो नए पत्ते अभी खुले हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं उसको दूसरे बड़े पॉट में उसको ट्रांसप्लांट कर दूँगा। तो दोस्तों, मैं उस प्लास्टिक की नेट के बारे में बात करूं तो इसके फ़ायदे भी हैं और इसके नुकसान भी है। अगर प्लांट छोटा है तब तक ठीक है, लेकिन प्लांट जैसे जैसे बड़ा होगा तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रूट को डेवलप करने में थोड़ी परेशानी होगी। और ये प्लास्टिक की नेट में सारी रूट भी बाहर आ चुकी थी, इसलिए मैं उसे छेड़खानी नहीं की, मैंने ऐसे ही लगा दिया। आप ये गलती मत करें, निकलता है तो निकाल दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।